नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं विशेष। चीन अभी तक ताइवान, हांगकांग जैसे देशों के साथ क्या कर रहा था वो सब देख रहे थे, लेकिन अब लद्दाख में जिस तरह की कारस्तानी उसने की है, उसके बाद अमेरिका की तरफ से ये बयान आया है कि चीन जो हरकतें कर रहा है वो एशिया के बाकी देशों के लिए खतरा है। लिहाजा माइक पोम्पियो ने कहा कि वो इस इलाके में यूएस सेना की तैनाती बढ़ाना चाहते हैं, यानी चीन के लिए अब बचने का रास्ता बचा ही नहीं। लद्दाख में भारत के मुंहतोड़ जवाब का सामना कर रहे चीन को सबक सिखाने के लिए अब अमेरिका भी खुलकर सामने आ गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ऐलान किया है कि चीन के आक्रामक रुख का जवाब देने के लिए अमेरिका एशिया में अपनी फौज को बढ़ाने जा रहा है। भारत और अपने मित्र देशों के लिए चीन को खतरा बताने वाले पोम्पियो ने चीन को चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो अमेरिकी सेना उसकी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से मुकाबला करने को तैयार है। I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. अमेरिका की ये चेतावनी खोखली नहीं है। चीन के आसपास अमेरिका के इतने बेस मौजूद हैं कि वो ड्रैगन को आसानी से घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। भारत से पंगा लेना चीन को भारी पड़ सकता है। अब चीन को सीधे सुपर पावर से चुनौती मिली है। अमेरिका ने ये साफ कह दिया है कि वो चीन पर पैनी नजर बनाए रखे है, और अगर चीन कोई भी इंडो पैसिफिक रीजन में हरकत करता है तो मिलिट्री एक्शन सहना पड़ेगा। अमेरिका ने पहले ही ताइवान के करीब अपने 3 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए हैं, जिनमें से 2 ताइवान और बाकी मित्र देशों के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं, वहीं तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जापान के पास गश्त लगा रहा है। प्रशांत महासागर में तैनात ये 3 विमान वाहक पोत हैं यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट, यूएसएस निमित्स और यूएसएस रोनाल्ड रीगन। एक अनुमान के मुताबिक पूरे एशिया में चीन के चारों ओर 2 लाख से ज्यादा अमेरिकी सेना के जवान तैनात हैं। वहीं पोम्पियो के ताजा बयान के बाद चीन की घेराबंदी कसी जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर अमेरिका जर्मनी में मौजूद अपने 52,000 सैनिकों को घटाकर 25,000 कर रहा है। इन सैनिकों को एशिया में चीन का मुकाबला करने के लिए तैनात किया जाएगा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका के दुनिया में करीब 800 सैन्य ठिकाने हैं, लेकिन चीन की घेराबंदी के लिए डिएगो गार्सिया मालदीव के पास इस ठिकाने पर अमेरिकी और ब्रिटिश नौसेना मौजूद है। सिंगापुर में भी अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। फिलीपींस, चीन के करीब फिलीपींस में भी अमेरिकी सेना का बेस है। ताइवान, अमेरिकी सेना का यहाँ बेस नहीं लेकिन उसकी सैन्य हलचल यहाँ तेज है। दक्षिण कोरिया, यहाँ 28,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। गुआम, प्रशांत महासागर के इस छोटे से द्वीप पर अमेरिका के 5,000 सैनिक मौजूद हैं। जापान, यहाँ 10 अलग अलग बेस पर 1,00,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, और यहाँ से अमेरिका दक्षिण चीन सागर पर नजर रखता है। इन ठिकानों के अलावा सैकड़ों ठिकाने ऐसे हैं जो छोटे छोटे द्वीपों पर अमेरिका ने बना रखे हैं। उनमें से कुछ आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम तौर पर बनाए गए द्वीप भी हैं। अमेरिका की इस घेराबंदी से चीन हमेशा से ही बेचैन रहा है, लेकिन अमेरिका ने इन देशों में अपने सैन्य ठिकाने इस वजह से बना रखे हैं कि इनमें से कई उसके मित्र देश हैं जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस पर है। चूंकि चीन भारत समेत इन देशों के लिए खतरा बन गया है, लिहाजा अमेरिका ने उसकी नकेल कसनी शुरू कर दी है। भारत और चीन के साथ बॉर्डर पे हो रहा है, साउथ चाइना सी में हो रहा है, ताइवान को धमकी दे रहे हैं, हांगकांग में जो हो रहा है, वियतनाम को साउथ चाइना सी वगैरह की धमकी दे रहे हैं, उसकी वजह से चाइना एक रोग एक्टर है। ये होता है हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन, दबाव देने के लिए
दूसरा होता है वर्टिकल एस्केलेशन। अगर जो आपने वर्टिकल एस्केलेशन कर दिया तो लड़ाई हो सकती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन जो है था दिखा रहे हैं ट्रंप साहब, वो है दबाव डाला चाइना पे, रोग एक्टर पे दबाव दो कि वो वापस अपनी जगह पे जाए। जापान से अमेरिका की संधि है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही वहां अमेरिका की नेवी, आर्मी और एयरफोर्स मौजूद है। दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया के कोप से बचाने के लिए अमेरिका ने वहां अपने सैनिक तैनात कर रखे हैं। फिलीपींस ने अमेरिका के साथ 2 दशक पुराने करार को आगे बढ़ाकर अमेरिकी सेना की तैनाती को मंजूरी दे दी है। इन देशों के अलावा माइक पोम्पियो ने वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया की सुरक्षा का हवाला देकर उनके साथ खड़े होने का साफ संकेत दे दिया। वहीं जापान अमेरिका के साझा युद्धाभ्यास से तिलमिलाए चीन की परेशानी अब और बढ़ने वाली है। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। अमेरिका का ये बयान एक ऐसे समय पर आया है जब चीन सिर्फ भारत ही नहीं अपने बाकी पड़ोसी देशों से भी उलझ रहा है। हाल ही में एक झड़प के बाद उसने वियतनाम के एक जहाज को टक्कर मारकर डुबो दिया, तो ताइवान के जहाज को भारी नुकसान पहुंचाया, इसके साथ ही जापान के जहाज को तो उसने युद्धपोत से धमकाया। दक्षिण चीन सागर, ये वो इलाका है जहां चीन ने अपने पड़ोसियों की नाक में दम कर रखा है। यहां चीन अपनी सबसे ज्यादा दादागिरी दिखाता है, जिस पर लगाम लगाने का इंतजाम अमेरिका कर रहा है। भारत के अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन से जिन्हें खतरा बताया वो इसी इलाके में है। वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस, इनमें से मलेशिया और इंडोनेशिया कभी चीन को छेड़ते भी नहीं, इसके बावजूद चीन उनसे उलझता रहा है। चीन ने 2 अप्रैल को मछली मारने निकले वियतनामी जहाज पर हमला कर उसे डुबो दिया। यह घटना 2 अप्रैल को हुई जब वियतनामी जहाज पैरासेल द्वीप के समूह के पास मछली पकड़ रहा था। चीन दावा करता है कि इन द्वीप समूहों पर उसका अधिकार है। चीन का ऐसा ही रवैया इंडोनेशिया को लेकर सामने आया। जनवरी में चीन के जहाजों ने इंडोनेशिया के समुद्री इलाके में घुसपैठ की। जनवरी में ही चीन ने पहली बार कोरोना वायरस की महामारी का खुलासा किया था। चीन की नौसेना मलेशिया के पीछे भी पड़ी हुई है। उसने मलेशिया की तेल कंपनी के जहाज का पीछा अपने कोस्ट गार्ड के जहाज और लड़ाकू पोतों से किया था। जापान से चीन उस वक्त उलझ रहा था जब दोनों ही देश कोरोना से लड़ रहे थे। 30 मार्च को जापानी नौसेना का जहाज चीन के निशाने पर आ गया। 13 अप्रैल को चीन ने मियाको की खाड़ी में अपने विमान वाहक पोत को उतार दिया। पिछले महीने चीन ने अपने विमान वाहक पोत लियाओनिंग को भी यहां भेज दिया। ओकिनावा और मियाको द्वीपों के बीच चीन की स्ट्राइक फोर्स घूमती रही। जापान इन सारी हरकतों पर नजर रख रहा था। ताइवान के साथ चीन की तनातनी में किसी भी समय युद्ध की नौबत आ सकती है। 16 मार्च को ताइवान कोस्ट गार्ड का जहाज पेट्रोलिंग कर रहा था, तभी चीन की मछली मारने वाली नाव उससे टकरा गई। इस टक्कर में ताइवान के जहाज को काफी नुकसान पहुंचा। ताइवान के सैनिकों ने गोली चलाई, जिसके बाद चीन की नावों को भागना पड़ा। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ताइवान के समर्थन में मौजूद है, जिसका चीन विरोध करता रहा है। 11 अप्रैल को चीन ने ताइवान की खाड़ी में अपने जहाजों को युद्धाभ्यास के लिए उतार दिया। इसका मकसद ताइवान की संप्रभुता का समर्थन करने वाले अमेरिका का विरोध करना था। ऑस्ट्रेलिया से चीन के संबंध सबसे बुरे दौर में है। ऑस्ट्रेलिया ने जब से कोरोना संक्रमण पर चीन के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन किया है, तब से चीन उसे धमकी दे रहा है। चीनी हैकर्स ने ऑस्ट्रेलिया को साइबर अटैक का शिकार बनाया। चीन की इन्हीं करतूतों पर नकेल कसने के लिए अमेरिका तैयारी कर रहा है। अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अमेरिका और चीन की सीधी टक्कर हो सकती है। गीता मोहन, दिल्ली आज तक।
जैसे ही माइक पोम्पियो का बयान आया वैसे ही चीन के सुर बदल गए। उसे एहसास है कि अगर इस क्षेत्र में भारत और अमेरिका मिल गए तो फिर चीन कहीं का नहीं रहेगा। इसीलिए अब उसका जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, वो भारत की तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि भारत को कूटनीतिक स्वतंत्रता पसंद है। We're knowingly responsible, certainly, if they did, if it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. अमेरिका के ताजा बयान के बाद भारत के साथ लद्दाख में भिड़े चीन को इस बात की चिंता सताने लगी है कि कहीं भारत और अमेरिका उसके खिलाफ लामबंद ना हो जाएं। चीन के इस डर को फाइनेंशियल टाइम्स के एक स्तंभकार गिडोन रैचमैन ने बढ़ा दिया है। भारत ने नए शीत युद्ध में एक पक्ष को चुन लिया है। ये चीन की मूर्खता है कि वो अपने प्रतिद्वंद्वी को अमेरिका के पाले में डाल रहा है। इस बयान से चीन तिलमिला गया। उसे एहसास हो गया कि अमेरिका की एक चाल से पूरा समीकरण उसके खिलाफ बनने लगा है। उसका सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स इस दलील को खारिज करने में जुट गया। उसने लिखा, एक वक्त था जब भारत चीन के बीच तनाव एक बड़ा खतरा था। भारत उस वक्त भी किसी देश पर निर्भर नहीं हुआ, इसलिए ये तर्क बिल्कुल गलत है कि मौजूदा सीमा में भारत किसी एक गुट के साथ जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। चीन की पूरी कोशिश है कि भारत किसी भी सूरत में अमेरिका से हाथ ना मिलाए। चीन को अच्छी तरह मालूम है कि भारत और अमेरिका साथ आए तो दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में वो बुरी तरह घिर जाएगा। चीन को भारत और अमेरिका की दोस्ती का डर इस कदर सता रहा है कि वो उसमें दरार डालने के लिए रूस का जिक्र कर रहा है। चीन के सरकारी मुखपत्र का कहना है कि रूस से हथियारों का सौदा कर भारत ने अमेरिका को बता दिया है कि वो उसे कितनी अहमियत देता है। यही नहीं, उसने यहां तक कह दिया कि भारत और अमेरिका एक दूसरे का महज इस्तेमाल करते हैं। भारत पाकिस्तान पर काबू पाने के लिए अमेरिका से करीबी बढ़ाता है। दूसरी तरफ अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की नकेल कसने के लिए भारत का इस्तेमाल करता है। भारत अमेरिका की दोस्ती में दरार डालने की बेचैनी में चीन के सरकारी मुखपत्र ने यहां तक लिख दिया कि भारत को अच्छी तरह मालूम है कि अमेरिका उसके लक्ष्य को पूरा करने में उसकी मदद नहीं करेगा। साफ है कि चीन अब अपने आप को बेहद असुरक्षित महसूस करने लगा है। एक तरफ भारत ने रूस के साथ हथियारों की डील कर चीन की चिंता बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ भारत समेत अपने मित्र देशों के समर्थन में अमेरिका के ऐलान ने उसकी नींद उड़ा दी। गीता मोहन के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको अमेरिका की वो रिपोर्ट जो चीन को चुभ गई है। आप देखते रहिए आज तक। अमेरिका का साफ तौर पर कहना है कि चीन एशिया के बाकी देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें यह कहा गया कि वन बेल्ट वन रोड में जो निर्माण का काम चीन करवा रहा है उसमें मजदूरों से जबरन काम करवा रहा है। अपने आर्थिक विस्तार को रफ्तार दे रहे चीन पर अमेरिका ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बताया है कि चीन राज्य प्रायोजित बंधुआ मजदूरी करा रहा है। अमेरिका का दावा है कि अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में चीन शिनजियांग के लाखों उइगर, कजाक, किर्गिज और दूसरे मुसलमानों से जबरन मजदूरी करा रहा है। इस वजह से चीन अमेरिका के ट्रैफिक इन पर्संस यानी TIP की रिपोर्ट में सबसे निचले पायदान पर है। इसके साथ ही अमेरिका का कहना है कि ऐसे मजदूरों से बेहद खतरनाक और भयावह हालातों में काम कराया जाता है। अमेरिका ने 2017 से ही चीन को TEP की तीसरी श्रेणी में डाल रखा है। उसके मुताबिक इन सब के लिए चीन के कम्युनिस्ट पार्टी जिम्मेदार है। दूसरी तरफ चीन ने अमेरिका की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। आज तक ब्यूरो विशेष में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।